आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एरे का फंक्शन, और एरे के फंक्शन में कुछ क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, कुछ क्वेश्चन हम करके देते हैं, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरे पास दो डेट है और इन दो डेटों के बीच का मुझे सैटरडे और संडे को काउंट करना है। ओके, सैटरडे और संडे को काउंट करना है। हालांकि इसके लिए हमारे पास है, जैसे कि दो डेट के बीच में सैटरडे संडे काउंट करने का तरीका यह है कि यहां पे हम सबसे पहले लगाएंगे फॉर्मूला ईओ मंथ का, नहीं सॉरी, यहां पे लगाएंगे लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, और फिर यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे नेटवर्क डेट डॉट int, और इसमें हम स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट सेलेक्ट करेंगे, और वीकेंड्स में हम सिर्फ संडे को ले लेंगे कि भाई मेरा वीकेंड सिर्फ संडे है। तो आपके सामने 52 आएगा, तो कितने नंबर ऑफ संडे हुए, तो 60 माइनस 52 आपको पता चल जाएगा कि 8 हमारा मंडे था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, कई सारे केसेस में ये नेटवर्क डेट जो है फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए 2007 है, 2007 में फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उसी एरे चीज एरे फॉर्मूला को हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए कि मैं जनवरी का ही डाल देता हूँ, हम सबसे पहले क्या होगा कि अगर हम जब भी एरे को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मैनुअल प्रोसीजर को फॉलो करें, तो आपको फिर एरे का प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक जनवरी डाला और इसमें मैं प्लस वन करके नीचे तक ड्रैग करता हूँ, मतलब कि 31 जनवरी तक का लूप। फिर यहां पे हम फॉर्मूला देते हैं टेक्स्ट का, जिससे पहले इसको सैटरडे और संडे यहां पे हटेगा। यहां पे कंडीशन देंगे कि इफ अगर ए इक्वल टू सैटरडे है तो यहां पे 1 आए, अदरवाइज 0 है। और फिर मैं यहां पे सम कर लूंगा कितने 1 वाले, तो रिजल्ट हमारा 4 आया। अब इसी चीज को हम एरे में करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट हमारा कौन दे रहा है, सम दे रहा है। तो मैं यहां पे इक्वल सम का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहां पे दूंगा फॉर्मूला इफ का, इफ के अंदर दूंगा फॉर्मूला टेक्स्ट का, और हम यहाँ पे इस पे इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और इसमें प्लस रो, क्योंकि मुझे इसको 1 से 31 तक का लूप क्रिएट करना है, तो इसमें हम प्लस 1 से लेके 31 तक का डाल देते हैं। और फिर हमने यहाँ पे बोला कि डी 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 मतलब कि इसको टैक्स करें, अगर इक्वल टू ए सैटरडे है तो यहाँ पे 1 आए, अदरवाइज 0 है। फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर डालता हूँ, रिजल्ट आपके सामने 5 आ गया। अब ये 5 क्यों आया है, क्योंकि आपका मैनुअल तो यहाँ 4 दे रहा है ना, बट यहाँ 5 क्यों आया है, तो उसका भी एक प्रोसीजर एक तरीका है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने होंगे, तो यहाँ 43831 से लेके हमारा क्या है 43861 है। तो हम इसको एवलेट करते हैं फॉर्मूला से, फॉर्मूला में जाते हैं और यहाँ पे एवलेट फॉर्मूला, यहाँ जब इसको एवलेट करते हैं तो हम मैं पाते हैं कि ये देखिए 431 तो है, लेकिन जब इसमें प्लस होता है हमारा तो ये देखिए 432 हो जाता है, मतलब कि एक दिन ऐड हो जाता है, समझे। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो अब 4 आ गया। क्यों 4 आया, क्योंकि यहाँ पे जब रो हुआ 1 से लेके 31 तक, तो फिर वो प्लस होने के बाद सब में से एक एक माइनस कर दिया, तो ये हो गया 0 से 30 हो जाता है फिर ये, क्योंकि यहाँ 0 से 30 नहीं कर सकते, 0 नाम का कोई रो नहीं होता है, तो यहाँ एरर आएगा। यहाँ 31 लेके 461 तक आ गया। फिर इसको टेक्स्ट ने इसको कन्वर्ट किया सैटरडे संडे में, और इफ ने चेक किया कि जहां जहां सैटरडे तहां तहां उसने 1 डाल दिया, और जहां फॉल्स तो वहां 0 डाल दिया, और सब ने जितने भी 1 वाले हैं उसको सम कर लिया
और रिजल्ट आपके सामने 4 आ गया। क्लियर है सर? कुंदन जी एंड मनोज जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है कि मुझे जैसे मैंने कोई डेट डाला, मुझे इसका सेकेंड सैटरडे का डेट चाहिए। क्या चाहिए? सेकेंड सैटरडे का डेट चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो इसी प्रोसीजर को हम फॉलो, क्योंकि इसके लिए कोई तरीका नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए यहां पे हम एक पहले लूप क्रिएट करेंगे, जैसे कि 1 जनवरी से लेके, जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का लूप क्रिएट किया। फिर मैं यहाँ पे टैक्स का फॉर्मूला लगाया और इसको मैं कन्वर्ट कर दिया सैटरडे संडे में, राइट। फिर यहाँ पे चेक किया कि इफ अगर ए इक्वल टू सैटरडे है तो यहाँ पे इसका डेट आए, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं, फॉल्स आना चाहिए। और फिर यहाँ पे इस नीचे तक ड्रैग कर दिया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्मॉल का, स्मॉल जो कि किसी नंबर में से लोएस्ट वैल्यू को निकालता है, जो कि यहां से निकाल दिया कि 2, तो ये आपका सामने डेट आ गया। तो मैनुअल प्रोसीजर ये है, तो इसको ऑटोमेट कैसे करेंगे? तो ऑटोमेट करने के लिए मैं यहां लिखूंगा स्मॉल, क्योंकि फाइनल रिजल्ट स्मॉल ही दे रहा है ना हमारा। एरे में हम यहां पर डेट लिए और इसको लूप में बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे देंगे रो, और रो में देंगे 1 से लेके 31, ठीक है। और यहाँ पे हम देंगे, देखिए इसको ऐसे नहीं, लेकिन मुझे इसको टेक्स्ट करना पड़ेगा पहले। इफ फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ 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 में, और इफ में टेक्स्ट, और फिर यहां पे देंगे 3 बार डी डी। अगर ऐसा ट्रू हुआ तो इसमें हमने प्लस रो, क्योंकि हमें इसका रिजल्ट ही चाहिए ना, 1 से लेके 31, और फिर हमने इफ को क्लोज किया और यहां पे हमने 2 दे दिया कंट्रोल। अब यहाँ पे एरर दिया इसने, तो हाँ इसमें एरर इसलिए आया कि हमने इसको कोई मैच नहीं किया, कि इक्वल टू सैटरडे करना था ना, हमने सैटरडे नहीं किया। अब आ गया रिजल्ट। तो कैसे ये परफॉर्म किया? तो यही सेम उसी प्रोसीजर को इसने फॉलो किया, ठीक है। लेकिन यहाँ भी दिक्कत यह है कि हमें यहाँ पे -1 करना होगा, नहीं तो फिर ये दिक्कत होगी कि अगर 1 तारीख आपका सैटरडे हुआ तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ पे हम 1 माइनस देते हैं। ऐसा हमने कुंदन जी, यस सर। अब इसमें एक चीज और आता है कि ये तो चलो 31 तक ही है, या भी मान लीजिए ये तो 31 जन्म तक है, लेकिन मुझे यहाँ पे डेट बढ़ा दूं तब क्या होगा? क्या सर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके साथ हम यहाँ पे कॉन्कटानेट करेंगे दोनों डेट का डिफरेंस, लेकिन ये जब कॉन्कटानेट लग गया तो क्या हो गया? टेक्स्ट हो गया, तो इसको इनडायरेक्ट में डाल के मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इसमें रेफरेंस में। अब मैं दो डेट का बीच में दो डेट के बीच का डिफरेंस निकाल सकता हूं, ओके। सेम इसी तरह से जहां हमने 31 लिखा है, अब यहां पे क्या करेंगे, वन को इन्वर्टेड कॉमा के साथ रखेंगे और इसको कंबाइन करेंगे। 31 के जगह पे मैं यहाँ पे लगाऊंगा डे, डे में देंगे ईओ मंथ, क्योंकि इस पूरे महीने का एंड डेट के डेज चाहिए ना हमें, क्योंकि 31-30 अलग अलग हो सकते हैं। और फिर यहाँ इसको हम दे देंगे इनडायरेक्ट फॉर्मूला, इनडायरेक्ट
और यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। यह सेम चीज यहाँ भी करेंगे, जो मैं वो लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, कंबाइन करेंगे, 31 को डिलीट करेंगे, यहां पे होगा डे, डे के बाद ये होगा ईओ मंथ, और ईओ मंथ में हम सिलेक्ट करेंगे इसको कॉमा जीरो, और यहां पे कंट्रोल शिफ्ट, यहां पे एक स्पेस, एक मिनट, यहां पे कॉमा जीरो होना चाहिए तो। ओके, अब यहाँ पे कोई भी महीना डालूंगा तो उस महीने का सेकेंड सैटरडे का डेट आ जाएगा। इस तरह से इसको ऑटोमेट किया जाता है। तो ये फाइल में और भी बाकी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको ये फाइल मेल कर देता हूँ, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आज बाकी लोग नहीं आए हैं, तो एक बार उनको मैं एक बार व्हाट्सएप पे इसे ग्रुप में फिर से बोल देता हूँ, कल से ज्वाइन करेंगे, कल हम एरर फॉर्मूले की आगे की चीज़ों के बारे में जानेंगे। सर इसकी वीडियो भी सेंड कर देना। जी जरूर, मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।